कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने, कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। यह आवाज है कवि कुंवर नारायण की, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 को फैजाबाद में हुआ। फैजाबाद में ही इनका बचपन बीता। बचपन में ही माँ और बहन के एक के बाद एक हुए मौतों ने इन्हें झकझोर कर रख दिया। एक तरफ इन मौतों ने झकझोरा तो दूसरी ओर कविता ने संभाला। जैसे आत्मजयी लिखते वक्त जी। मेरे मन में ये था कि जो भी अनुभव जीवन और मृत्यु का मुझे हुआ उस समय, उसके लिए शायद कविता सबसे उपयुक्त माध्यम है। वो अगर गद्य में लिखूंगा तो वो फैल बिखर जाएगा, ये बात पूरी तरह से पकड़ में नहीं आएगी। ऐसा मुझे कई कविताओं में भी महसूस होता है कि इनकी प्रकृति कविताओं के, वो खुद मालूम हो जाता है लिखते समय कि ये बात जो है वो कविता में ही अपने को लिखवाना चाहती है या गद्य में भी लिखवा सकती है। तो इसके इंडिकेशंस के संकेत स्वयं ही जिस माध्यम में मैं लिख रहा हूँ उससे मिल जाते हैं। जैसे कहानियाँ लिखते समय मुझे अक्सर ये लगा कि ये बात बीच में, कि इसको मैं शायद कविता में बेहतर कहूँगा, लेकिन फिर खुद जैसे कविता या कहानी ने ही एक संकेत दिया कि नहीं, और आगे बढ़ो और आगे बढ़ो, शायद ये बात मेरे माध्यम से बेहतर आएगी। तो इस तरह का एक संवाद कविता के साथ या दूसरे माध्यमों के साथ बराबर चलता रहता है। उसके तुरंत बाद लखनऊ चाचा के यहाँ रहने के लिए चले गए। चाचा के यहाँ एक तरफ राजनीतिक वातावरण था तो दूसरी ओर साहित्यिक वातावरण। लखनऊ की इस आबो हवा ने इनकी रचनात्मकता को आकार देना शुरू किया। समाजवादी नेता आचार्य नरेंद्र देव, गांधीवादी नेता आचार्य कृपलानी से संगत वहीं पर हुई। उन लोगों के साथ मिलकर धीरे धीरे रचनात्मकता कब कविता में बदलने लगी उन्हें पता भी नहीं चला। कवि कुंवर नारायण ने 1955 में यूरोप की पहली यात्रा की। इस यात्रा में पाब्लो नेरुदा, नाजिम हिकमत जैसे महत्वपूर्ण कवियों से मुलाकात हुई। इस मुलाकात ने एक ओर कवियों का साथ दिया तो दूसरी ओर कविता की एक बड़ी दुनिया खोली। इस बड़ी दुनिया ने आगे चलकर थोड़े ही समय में 1956 में चक्रव्यूह जैसे संग्रह को आने में मदद की। चक्रव्यूह के बाद कविता की एक लंबी यात्रा शुरू हुई। परिवेश हम तुम, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, तीसरा सप्तक, बाजश्रवा के बहाने, हाशिए का गवाह, आत्मजयी, तमाम ऐसी कविता और खंडकाव्य की पुस्तकें आईं। इसके साथ साथ कहानी संग्रह, अनुवाद साहित्य और बहुत से संपादन में भी इनकी पुस्तकें आईं, जिन्हें आज बच्चे और हम सब पढ़ रहे हैं। अनुवाद के सहारे कई भाषाओं में कवि कुंवर नारायण की बोलती यह आवाज़ अब बच्चों की किताबों तक पहुंच चुकी है। बच्चों के दिलों में जगह बनाती, बच्चों के मन में कुछ सवाल उठाती। आपकी कविता बात सीधी थी, पर आपने भाषा के ऊपर बहुत जोर दिया है। क्या आपके जीवन में कविता निर्माण करते समय कभी भाषा की समस्या आई है? भाषा की समस्या तो बनी रहती है हमेशा ही। जब भी लिखने बैठते हैं, छोटा पीस हो या बड़ा पीस हो, हमें बराबर भाषा से एक बातचीत करनी पड़ती है, और उससे हम उतना ही सीखते हैं जितना हम भाषा से बात कहने के लिए कोशिश करते हैं। तो ये क्रम कभी रुकता नहीं है, सीखने का क्रम।
पहली कविता लिखी तब भी इसी तरह से समस्या थी, और जब और बाद में लिखने लगे तब भी ये बराबर समस्या सामने आती रहती है। उसकी दो वजह हैं, एक तो भाषा भी बदलती रहती है, जो हम बोल रहे हैं आज भाषा, आज से 10 साल पहले उस तरह से नहीं बोलते थे, आज हम अखबार पढ़ते हैं, कहानी पढ़ते हैं, साहित्य पढ़ते हैं, तो उसका असर हमारी भाषा पे आता है। आपने जो अपनी रचनाएं रची, जैसे अपने सामने या कोई दूसरा नहीं, तो इनमें से आपकी मनपसंद रचना कौन सी रही है? किसी रचना के लिए कहना तो बड़ा मुश्किल है मनपसंद कौन सी है, क्योंकि जब हम ही रच रहे हैं तो अगर हमको कोई कविता पसंद नहीं आएगी तो हम उसको हटा देंगे वहाँ से। वैसे बाद में पढ़ने पर मुझे लगा जैसे कोई दूसरा नहीं में नीम के फूल कविता है, वो मेरी प्रिय कविताओं में से है। एक लेवल पर हमारी बहुत पर्सनल कविता, बहुत पर्सनल लेवल की बात कहती है, और दूसरे लेवल पर वही कविता ऐसी बात कहती है जो शायद सबके लिए उतना ही पर्सनल है। जब आप कविता लिखते हैं तो कविता लिखते समय आप क्या सोचते हैं कि कविता कैसी होनी चाहिए? कुछ कविताओं में तो ऐसे होता है कि एक शुरुआत में एक भाव सा या एक विचार रहता है, लेकिन बहुत सी ऐसी कविताएं होती हैं जो शुरू करने के बाद तब वो कविता खुद हमको थोड़ा थोड़ा इशारा करती है कि वो क्या होना चाहती है, किस रूप में होगी। जैसे एक बच्चा होता है, जब बड़ा होने लगता है तो बड़े होने के साथ साथ वो क्या करेगा, कैसा उसका स्वभाव बनेगा, कैसा उसका चरित्र बनेगा, क्या वो काम करेगा, ये चीज़ें धीरे धीरे इंडिकेशन उसके ग्रो करने के दौरान हमको पता चलती हैं। वैसे ही जब कविता ग्रो करने लगती है तो बहुत से संकेत, बहुत से इशारे हमें कविता से ही मिलते हैं कि ये किस तरह की कविता होगी, क्योंकि एक कविता भी उसी तरह से ऑर्गेनिक होती है जैसे जीवन होता है। जब जीवन जीते हो तो पहले से नहीं पता लगता है कि क्या होगा, जब जीने लगते हो तो तुमको पल प्रतिपल मालूम होता है, अच्छा अब यहाँ ये करना चाहिए, अच्छा ये करना चाहिए। शब्दों की दुनिया भी बिल्कुल उसी तरह की एक बहुत बड़ी दुनिया है जिसमें हम जीते भी हैं और जिसको हम जीते भी हैं, तो ये जो एक अंतरंग संबंध बनता है वो कहीं हमारे जीने के तरीकों को भी प्रभावित करता है और साथ ही सोचने के तरीकों को भी प्रभावित करता है। शायद कविता इन दोनों तरीकों को मिला करके एक रूप लेती है। कविता पढ़ाते हुए एक समस्या बार बार सामने आती है कि क्या कवि अपनी कविता में जो कहना चाहता है वो हम पढ़ा पाते हैं या नहीं, वो हम समझा पाते हैं या नहीं। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है कि क्या कवि अपनी कविता में जो कहना चाहता है उसने 100% वो बात कह दी, क्या कवि से कोई गलती नहीं हो सकती? दोनों ही बातें संभव हैं। पहले आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर दूंगा मैं। एक कविता है मेरी उत्तरदायित्व करके, आपने देखा होगा शायद, जिसमें मैंने इस बात की ओर संकेत किया है कि जो भी मैंने लिखा है, रचा है, उसमें बहुत सी गलतियां हैं, बहुत सी चूकें हैं, लेकिन मैं उनसे भागता नहीं हूं, मैं उन्हें स्वीकार करता हूं। जैसे जीवन में भी हमसे गलतियां होती तो हम हमेशा सफाई देते हैं, स्वीकार नहीं करते। अगर हम उनको स्वीकार करें तो शायद हमारे व्यवहार में एक बहुत बड़ा फर्क आ जाएगा। अगर हम अपने को डिफेंड करते जाएंगे एक वकील की तरह तो हम अपनी गलतियों को भी डिफेंड करते जाएंगे। तो ये एक तरह का आत्ममंथन है, आत्मस्वीकृत है, और इसको साहस के साथ इसका सामना करना चाहिए। और पहला प्रश्न आपका, कविता लिखी ही ये सोच कर जाती है कि इसके अनेक अर्थ हो सकते हैं, कई अर्थ हो सकते हैं, तो उसमें मैं गलती नहीं समझता हूँ। ये एक तरह से कविता का आगे बढ़ना है, उसका विकसित होना है, और कविता लिखते समय हम खुद भी उसकी कई अर्थों की तहें बनाते हैं, क्योंकि हो सकता है एक ही कविता एक को एक तरह से प्रभावित करे और वही कविता दूसरे व्यक्ति अनुभवों के अनुसार, विचार के अनुसार उसे बिल्कुल दूसरी तरह से प्रभावित करे। तो लिखते समय हमें कई व्यक्तियों के अनुभवों के पीछे जाना पड़ता है, केवल हमारा अपना अनुभव नहीं होता है, जो हमने जाना है, जो सुना है, जो पाया है दूसरों से, उनके अनुभवों को भी जब हम कविता में रखेंगे तो
कई तरह की व्याख्याएं होंगी और ये बिल्कुल जायज है। आजकल कविता की व्याख्या की जो परंपरा चल पड़ी है उसमें मूल भाव से अधिक दूसरे या तीसरे अर्थों की ओर लपकने की प्रवृत्ति पैदा हो गई है, तो क्या इस प्रवृत्ति के कारण कहीं कविता का मूल भाव पीछे तो नहीं छूट जा रहा है? मैं समझता हूँ आलोचना इस तरह के बहुत से रास्ते और बहुत से पक्ष हमारे सामने रख सकती है, हमारी रचना को माध्यम बनाकर, जो स्वयं मुझे भी हो सकता है कि मालूम ना हो। एक एक आपको उदाहरण देता हूँ, निर्मल वर्मा के उपन्यास लालटीन की छत, जब मैंने उसकी समीक्षा लिखी थी तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे तो निर्मल ने मुझसे कहा, अगर ये समीक्षा मैंने उपन्यास लिखने से पहले पढ़ी होती तो हो सकता है मैं उपन्यास को कुछ दूसरी तरह से लिखता। ये एक बहुत बड़ी बात कही उन्होंने मेरे लिए, लेकिन मुझे अभी भी याद है कि कई ऐसे समीक्षक हैं जिनसे कि हम लोगों को बहुत प्रेरणा मिलती है। T.S. Eliot का नाम आपने भी सुना होगा, अक्सर लिया जाता। मैं अक्सर कहता हूँ कि T.S. Eliot की कविता ने मुझे इतना नहीं प्रभावित किया या हम लोगों को, हमारी पीढ़ी को उतना नहीं प्रभावित किया जितना कि उनकी समीक्षा ने प्रभावित किया। जब उन्होंने परंपरा के बारे में बात की, प्राचीनता के बारे में बात की, कविता के क्राफ्ट के बारे में बात की, तब उससे बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे सामने आई कि हमें लगा हमें शायद अपने परंपरा को, अपनी प्राचीनता को या अपने अनुभवों को, धार्मिक अनुभवों को नई तरह से सोचना चाहिए। उस नई तरह से सोचने में बिल्कुल नई तरह की कविता की ओर ध्यान जाता है, तो इसलिए मैं इसको बहुत महत्वपूर्ण बात मानता हूँ कि रचना के साथ समीक्षक का एक तरह का संवाद स्थापित हो, और इस संवाद में मतभेद भी हो सकता है लेकिन उस मतभेद से कोई रचना को नुकसान नहीं पहुंचेगा। एक दूसरा उदाहरण भी लूँगा आपके सामने, पंडित हरि प्रसाद द्विवेदी का जब चारुचंद्र लेख निकली थी तो मैंने उसकी समीक्षा लिखी। थोड़ा मैं क्रिटिकल था, मुझे लगा कि ऐतिहासिक तथ्यों को ठीक से पंडित जी ने न इस्तेमाल करके पुस्तक के जो स्रोत थे उनको ज़्यादा इस्तेमाल किया, या एक जगह मिले पंडित जी एक पार्टी में, मैं कमरे में घुसा ही था, पंडित जी दूसरे सिरे पर थे कमरे के, पूरा कमरा पार करके मेरे पास आए, कहने बहुत सुंदर समीक्षा लिखी तुमने, और देखो याद रखना अगर समीक्षा सद्भावना के साथ लिखी जाए तो वो मदद करती है, द्वेषपूर्ण ढंग से लिखी जाए तो उसका कोई असर नहीं होता, वो सिर्फ समीक्षक को नुकसान पहुँचाती है, रचनाकार को कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। गुड़िया कविता लिखते समय आपके मन में कौन कौन से बिंब थे? बिंब से अधिक एक अनुभव था जिसको मैं आपको बताता हूँ। मैं महानगर में लखनऊ में रहता था तो वहाँ बुध को एक स्पेशल बाज़ार लगता था जिसमें आसपास के गांव के कारीगर और लखनऊ शहर के बाहर आउटस्कर्ट्स पे रहने वाले लोग अपनी चीज़ें बना करके लाते थे उस बाज़ार में बेचने के लिए। मैं देखा करता था मेरे घर के पास ही एक कोने पर एक बुढ़िया बैठ के ये गुड़ियाँ बनाती थी और बेचती भी थी, बनाती भी रहती थी उस वक्त, और वो मुझे बड़ी दिलचस्प लगती थी। हमेशा मैंने उसको अकेले ही देखा। उससे एक बार ऐसे ही मैंने पूछा कि तुम घर में अकेली हो और भी कोई तुम्हारे साथ है? उसने कहा हमारी बेटी है, उसकी शादी नहीं हुई है अभी, तो उसी के लिए मैं ये गुड़िया बनाती हूँ कि उसके शादी कर सकूँ जल्दी। लेकिन मुझे सबसे चीज़ जो आकृष्ट की वो उस बुढ़िया का जीवट, जिजीविषा जिसको कहते हैं, तो मुझे ये प्रसंग बड़ा अच्छा लगा, तो उसी को आधार बना के मैंने लिखा। और बीच बीच में झलक आती है उसके लड़की के शादी का जो उसका सपना था उसके भी। गुड़िया कविता आपके मुख से सुनना चाहेंगे। मेले से लाया हूँ इसको छोटी सी प्यारी गुड़िया, बेच रही थी इसे भीड़ में बैठी नुक्कड़ पर बुढ़िया, मोल भाव करके लाया हूँ ठोक बजाकर देख लिया, आंखें खोल मूंद सकती है कह सकती है पिया पिया, जड़ी सितारों से है उसकी सुनहरी लाल रंग वाली, बड़ी भली हैं उसकी आंखें मतवाली काली काली। मैं स्वयं कविता लिखती हूँ। कविता लिखते समय अनेक भाव उत्पन्न होते हैं, कई बड़े बड़े भाव उत्पन्न होते हैं,
उसके लिए शब्द भी होते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो भाव जो हैं मेरे शब्दों से मेल नहीं खा रहे, तो उस समय मैं क्या करूं? जो भी आता है, जैसे भी शब्द आते हैं, जितने भी शब्द आते हैं, लिखो उनको, उन्हें आने दो, वही तो तुमको गाइड करेंगे कि आगे कैसे लिखो। फिर बाद में जब उसको तुम संपादित करोगे, तब तुम्हें लगेगा ये शब्द बेकार है, इसको हटा दें, इसकी जगह दूसरा शब्द रख लें। तो उसके बिना तुमको लिखने का अंदाज नहीं हो पाएगा। तो ये तो समझो बहुत एक अच्छी बात है, और इसकी बिल्कुल चिंता नहीं करो कि ये शब्द बिल्कुल सही है कि बिल्कुल सही नहीं है, कि हम डिक्शनरी में देखें क्या शब्द, बिल्कुल नहीं, उन्हें आने दो। जैसे दोस्त तमाम घर में तुम्हारे घुस जाते हैं ना, उनको दोस्त समझ के आने दो, तो फिर उनसे तुम्हारी दोस्ती हो जाएगी धीरे धीरे, वो तुम्हें लिखना सिखाएंगे। कविता के लोकप्रिय होने में छंद और तुक का कोई योगदान होता है? छंद का है योगदान, और देखिए जो छंद की लय है, वो जिसको हमें लगता है गद्य है, उस गद्य में भी रहती है, हम उसको पहचान नहीं पाते हैं। और कुछ बातें बतानी चाहिए शुरू से शिक्षकों को, बच्चों को, कि जैसे संस्कृत के जो छंद हैं या संस्कृत की कविता में तुक नहीं है, हिंदी कविताओं में है लेकिन संस्कृत में नहीं है। वहाँ छंद हैं और छंद ही वर्णिक छंद हैं, अक्षर गणना से वो निर्धारित होते हैं, जो लगभग गद्य की तरह है, फिर भी उत्कृष्ट काव्य उसमें लिखा गया है। तो पहले तो ये समझना चाहिए कि कविता, अच्छी कविता का मूल तत्व क्या है। एक बहुत बड़े विद्वान राजशेखर हुए हैं, उनका कहना था उक्त विशेषो कब्बम भाखा जा होई सा होई, उक्त वैशिष्ट यही कविता है, फिर भाषा जो भी बन जाए वो कवित्व है। संस्कृत में सुभाषित आप देखेंगे, छोटे छोटे वाक्य होते हैं, उत्कृष्ट काव्य है, उसमें कविता आप ढूंढिए तो आपको छंद नहीं मिलेगा, उसमें आपको तुक नहीं मिलेगा। और दूसरे इनके वेरिएशंस बदलाव से भी हो सकता है। मैंने तुकों को अपने मुक्त छंदों में इस्तेमाल किया है, जहाँ छंद हटाए तो कवित्व लाने के लिए हमने अक्सर तुकों को लिया। तो तुक ज़रूरी नहीं है कि पंक्ति के अंत में ही हो, हो सकता है हम शुरू में रखें, बीच में रखें, या तीसरी चौथी पंक्ति में उसको ले जाएं, या कविता का अंत उससे करें जिस स्वर से हमने शुरू किया। तो ये वेरिएशंस होते हैं, इसी तरीके से छंद में भी वेरिएशंस होते हैं। केशवदास का नाम आपने सुना होगा, उन्होंने वो किसी बात पर तुलसीदास से चिढ़ गए थे, उनके समकालीन थे, तो कहने इनको इतना अभिमान है, दोहा चौपाई तो खाली लिखी है इन्होंने, इतना बड़ा रामायण लिख के, तो मैं भी लिख के दिखाता हूँ। तो उन्होंने रामचंद्रिका लिखी और कहा कि इसमें कोई छंद मैं रिपीट नहीं करूँगा, हर वर्ष जो हर्ष उसका कपलेट है वो नए छंद में उन्होंने लिखा, और जहाँ नहीं मिला उन्होंने खुद छंद गढ़े। तो इतना बड़ा प्रयोग करने वाला कवि केशवदास जैसा मुश्किल है। तो छंद में भी बहुत से प्रयोगों की संभावनाएं हैं। जैसे एक छंद लेता हूँ, हर गीतिका छंद कहलाता है, 14 मात्राओं का छंद होता है। मात्राएं शायद समझते होंगे बच्चे भी थोड़ा, तो उसके कई वेरिएशन हो सकते हैं। उसका एक यूनिट 7 मात्राओं का होता है, हर गीतिका शब्द ही जो है वो 7 मात्राओं का है। आप इसको 2 बार रिपीट करिए, 3 बार रिपीट करिए, 4 बार रिपीट करिए, तो छंद बन जाएगा, हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका हरि गीतिका। तो ये जो है ये 28 मात्राओं का कपलेट बन गया। अब इसमें वेरिएशंस कर सकते हैं, हमने किया है जैसे अपने आत्मजयी में, कि हमने एक विराम 7 पे दिया, दूसरा विराम 21 पे दिया, तीसरा विराम 14 पे दिया, फिर 28 पे दिया, लेकिन वो 7 का यूनिट जो है उसको मेंटेन किया। तो बच्चों को ये बताना चाहिए कि छंद में भी बहुत सी प्रायोगिक संभावनाएं हैं। जैसे संगीत है, केवल 7 स्वर होते हैं, सारे गामा पाधा निसा, लेकिन इन्हीं सरगम से आप अनंत राग बना सकते हैं। ये प्रयोग जब एक गायक गाता है तो वो एक राग में प्रयोग करता है, अन्वेषण करता है, उसमें स्वर लगाता है, मीड है या फेरत का काम है, इन सबों में आप देखेंगे वो नई नई बात पैदा करते हैं। लेकिन जो उसका राग का
आधार स्वरूप है वो वही रहता है। तो इसलिए प्रयोग की संभावनाएं गद्य में भी हैं और पद्य में भी हैं, और कविता जैसे पद्य में लिखी जा सकती है बिल्कुल वैसे ही गद्य में भी लिखी जा सकती है। आज हमारी अधिकांश कविताएं छंद रहित हैं, लेकिन मैंने पढ़ के भी देखा है कि लोग उसको पसंद करते हैं, तुरंत उनका रिस्पांस होता है। बाद में लोकप्रियता को छंद के साथ जोड़ दिया गया। एक समय था जब छंदों को वैद्य के नुस्खे लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि याद रहे मंजन का नुस्खा है, त्रिफला त्रिकुटा तूतिया पांचों नमक पतंग, दांत वज्र हो जात हैं माजू फल के संग। अब ये वैद्य का नुस्खा है लेकिन छंद में लिखा गया है इसलिए कि याद रहे। तो छंद की स्मरणीयता के लिए, उसके प्रभाव के लिए वो एक तरह का अलंकरण है कविता का, लेकिन वही एक अलंकरण नहीं है। कविता के बहुत से अलंकरण हो सकते हैं और बहुत बड़े, जैसे हम लोगों ने बिंबों से कविता लिखी, जब छंद छोड़ा तो हम लोगों को ये लगा कि ये बिंब हैं या अर्थों के बिंब हैं या बिंबों के अर्थ हैं, इनको भी इस तरह से रखा जा सकता है कि एक उनमें कविता पैदा हो। निराला की जूही की कली है जैसे, उन्होंने हालांकि उसमें लय है लेकिन छंद को जब उन्होंने तोड़ा तो एक नई तरीके से गीतात्मकता उन्होंने उस जूही की कली में उत्पन्न की। तो ये एक कवि के कवित्व के अपने कौशल पर है कि वो कैसे हमारे कवि मन को छूता है। कविता की इस लंबी परंपरा में कवि कुंवर नारायण जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो तुलसी जैसे कवियों को याद करना नहीं भूलते। मैं तो शुरू से ही संस्कृत के भी जो कवि हैं, कालिदास हैं या वाल्मीकि हैं, वाल्मीकि मेरे प्रिय कवियों में से रहे हैं, महाभारत से कुछ बहुत ही सुंदर श्लोक हैं जो समझिए कि सिर्फ मुझे याद ही नहीं बल्कि समझिए मेरे जीवन का हिस्सा बन गए हैं। तो इसी तरीके से कविता आगे तक जो बढ़ती चली आई, रीतकालीन कविता, भक्तकालीन कविता, तुलसीदास को तो हम हफ्ते को क्या कहें, आप हर एक के जीवन में देखेंगे, वो हमारे जीवन का हिस्सा हो गए हैं, आप उनको अलग कर ही नहीं सकते। अपने लेखन के लिए कवि कुंवर नारायण को साहित्य अकादमी, ज्ञानपीठ जैसे तमाम पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। आज अपने परिवार के साथ हंसते, कभी गपशप करते, कभी मित्रों के साथ गपशप करते कुंवर नारायण निरंतर ऐसी रचनाओं को दे रहे हैं, लिख रहे हैं, जिन्हें आज हम सब पढ़ रहे हैं। उनका मानना है कि जीवन कविता से बना है, इसीलिए वो जीवन की हर आहट को दर्ज करते चलते हैं, कविता में लिखते चलते हैं। उनका विश्वास है कि प्रेम उनके साथ है, हर मुश्किल में उनके साथ है। एक अजीब सी मुश्किल में हूँ इन दिनों, मेरी भरपूर नफरत कर सकने की ताकत दिनों दिन क्षीण होती जा रही है। इसीलिए उनकी कविता अपने समय और जीवन की हर आहट को दर्ज करती चलती है। प्रेम उनके यहाँ हट करे बैठा है, कुछ इस तरह कि जो मिल जाए तो हर मुश्किल को आसान कर दे।